हेलो बच्चों, आज हम पाठ 6 इंद्रधनुष जी इतने रंग के अभ्यास से प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय का मतलब होता है विस्तार से बड़ा, तो उसी के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय है। 2 का क है, इंद्रधनुष कहां पर दिखाई देते हैं देता है और किस मौसम में। क प्रश्न है, इंद्रधनुष कहां पर दिखाई देता है और किस मौसम में। तो उत्तर है, इंद्रधनुष बरसात के मौसम में आसमान में दिखाई देता है। अब ख प्रश्न संख्या ख है, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। तो उत्तर है, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। अब ग है, ग प्रश्न है, दुनिया के मन को क्या भाता है। उत्तर है, दुनिया के मन को इंद्रधनुष भाता है। घ है, किस त्योहार में रंगों से खेलते हैं। तो हमको पता है कि किस मौसम में हम लोग रंगों से खेलते हैं, किस त्योहार में। तो किस त्योहार में रंगों से खेलते हैं। उत्तर है, होली के त्योहार में रंगों से खेलते हैं। अंगम है, किससे इंद्रधनुष की मंगनी हुई है। तो अंग है, इंद्रधनुष की मंगनी किससे हुई है। उत्तर है, रंगोली से इंद्रधनुष की मंगनी हुई है। कविता में आपको यह दिया गया है। चौमे है, कविता के रचयिता कौन है। कविता के रचयिता कौन है, लेखक। तो उत्तर है, कविता के रचयिता यानी लेखक सूर्य भानु गुप्त जी हैं। ये आपके प्रश्न के उत्तर हो गए। कौशिक चातक है, क्योंकि ये प्रश्न दिए हुए हैं आपके, इसको लिख लेंगे और इसको याद करेंगे। अब हम चलेंगे तीसरा पंक्ति, पंक्तियां पूरी कीजिए। तो अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, पंक्तियां पूरी कीजिए। क में है, क और ख है, तो तीसरा पंक्तियां पूरी कीजिए में क्या कोई इसमें कविता को की पंक्तियां पूरी करी है। तो इसमें क्या कोई क्या बनेंगे, दुकान खुली, ये आपके हो गए। यूजो रंग जमाए हो, इंद्रधनुष जी इतने रंग कपड़ों पर से अब तक जो, ये आपके हो गए क का। और ख का हो गया, या फिर किसी रंगोली से। तो या फिर लिखा हुआ है किसी रंगोली से, इसमें भरना है, जो भरना है उसमें अंडरलाइन कर दिए डॉट डॉट देकर, ध्यान में रखेंगे इसको। तो या फिर किसी रंगोली से वही पहनकर आए हो। तो ये आपके हो गए पंक्ति पूरे हो गए आपके, जो कि यहां दिए हुए इसी को पंक्ति पूरी करनी है। अब हम अभ्यास का तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न हो गया अभ्यास का चौथा प्रश्न, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो चौथे प्रश्न में है, पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो रंग, जैसे कि इसमें किताब दिया, रंग के साथ रंगो दिया हुआ है, ब्लू अक्षर में दिया गया लिखा हुआ है। तो उसी तरह कपड़ा का होगा कपड़ों, जैसे ये भरा हुआ है उसी तरह कपड़ा का कपड़ों हो जाएगा। और हीरा का हीरो, खेल खेलो, दुकान दुकानों, बच्चा बच्चों, ये आपके पूरे हो गए। अब यहां पांचवे प्रश्न पे आएंगे, विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक यानी उल्टा, अपोजिट उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आपके। तो विपरीतार्थक शब्द में है, धरती का हो गया आसमान, ऊपर नीचे यानी उल्टा शब्द, बुरा भला, खोना पाना, चढ़ना उतरना, थोड़ा ज्यादा या अधिक भी हो सकता है। तो ये हो गया आपके अभ्यास के प्रश्न पूरे हो गए। अब स्नातक प्रश्न में आते हैं। तो छठा है,
रचनात्मक प्रश्न में होली रंगों का त्योहार है, इससे संबंधित कोई छोटी कविता अथवा गीत लिखिए। अब होली के त्योहार जो हम मनाते हैं उसके उससे संबंधित एक छोटी सी कविता या कोई होली का गाना लिखिए। लिख रहा है आपको, और सातवां इस कविता को याद करके कक्षा में सुनाइए। सातवां है कक्षा में सुनाने के लिए ये कविता याद करेंगे, इंद्रधनुष जी इतने रंग भला कहाँ से लाए, कविता याद करेंगे और कक्षा में सुनाएंगे। अभी घर पे हैं तो मम्मी और पापा को सुनाएंगे या भाई और बहन को, टीचर को भी सुना सकते हैं। अब यहाँ आठवां है पृष्ठ संख्या 29 में है। आठवां प्रश्न है, दिए गए इंद्रधनुष में सात अलग अलग रंग भरिए, जो मोम कलर होते हैं उसे कलर करना है, इसको HW में कर लेना है, इसको होमवर्क भी बनाना है, घर से बनाएंगे, घर में ही बैठ के इसको कलर करेंगे मोम कलर से। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं उसको भी लगाना है और इसको पूरा करना है। आज का इतना ही, धन्यवाद।